स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECET एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 EVS चैप्टर 16 बैलेंस इन नेचर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स हमेशा अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड रहती है। ये कैसे होता है, ये है कि अबायोटिक और बायोटिक इसको हम पढ़ते हैं। आर इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हमारे इकोसिस्टम में, इट मीन्स हमारा जो पर्यावरण है, इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आते हैं। द लिविंग थिंग्स इन आर इकोसिस्टम आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। यहीं पे डेफिनेशन दिए कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट एक ऐसी लिविंग थिंग है जो हमारे इकोसिस्टम में होती है। अब वो होती कौन कौन सी है? They include the plant, the animals, bacteria, fungi and many other organisms. समझ में? ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जो एक से ज्यादा, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से छह, इस तरीके से बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अभी अपना टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, मेरे साथ साथ याद करते जाइए। लिविंग थिंग्स इन आर इकोसिस्टम आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, fungi, etc. ओके, अब आता है आपका नॉन लिविंग। The non-living part of the ecosystem are called the abiotic component. Same है, वहां पर आपने क्या किया था, living thing की जगह non-living लगा दो, बस। The non-living part of the ecosystem are called abiotic component. आप ये जो लिखा है ना, include the, इसकी जगह आप लिखेंगे example, sun, temperature. Temperature की spelling tough होगी, let it be sun, water. ओके, रेनफॉल, रॉक, सॉइल। जो इजी है बेटा उसको पहले याद करो, क्योंकि अभी अभी एग्जाम आ रहे हैं, टफ है, उसको साइड में भी रख लो, है ना। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक इट मीन्स लिविंग थिंग, अबायोटिक इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग जो समझ में तो आते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो चल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग। जैसे कि सन हो गया, वाटर हो गया, रेनफॉल हो गई, सॉइल हो गई, रॉक हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करते हैं भाई? अबायोटिक पर। क्यों करते हैं? सर्वाइव करने के लिए करते हैं। ग्रीन प्लांट यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द सन, वाटर, सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी किससे पाते हैं? ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, किससे? सन से, वाटर से, सॉइल से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं। इनकी कोई मम्मी तो होती नहीं है कि वो खाना बना के दे दे, तो इनको अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू सन, वाटर, सॉइल, इन सब के साथ बनाना पड़ता है, मतलब इन सब से इन्हें मिलता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि दे मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन देम फॉर देयर फूड। बाकी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि अबायोटिक कंपोनेंट है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बोथ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर इक्वली एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, दोनों ही हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। दोनों ही हमारे इकोसिस्टम के मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये लिविंग थिंग्स जो रहती है, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहती है। कैसे, चलो पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े तरीके से डिवाइड है इनटू द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट में भी है और एनिमल किंगडम में भी है। ओके, बोथ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक, ये प्लांट एनिमल दोनों एक दूसरे पे ही तो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन ईच अदर। एनिमल डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड एंड सस्टेंसेस। सस्टेंसेस मतलब उनके जीने की जीविका, कैसे जीते हैं वो, है ना। हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स फीड
on both plant and other animal. Thus, all animal depend on plant for their nourishment. देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर. सबसे पहली चीज यहाँ पर आई आपकी abiotic component. Abiotic component means living organism. Living organism means animal और आपका plant आ गया. ठीक है, अब ये जो animal और plant है ये भी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, है ना. एक दूसरे को एक दूसरे की मतलब खाते हैं और अपने जो जीविका है सस्टेंसेस है वो चलाते हैं. अब इसी में आता है एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. हर्बीवोरस एच, एच मीन्स होता है, देखो स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है, हर्ब मतलब औषधि. आप एक ट्रिक से याद करो, है ना. तो हर्बीवोरस हर्ब होगी, हर्ब एक होती है मिंट, मिंट प्लांट में आता है. तो इसका मतलब जितने भी हर्बीवोर है, एच है, इसका मतलब सारे के सारे जितने भी हर्बीवोरस है वो प्लांट को खाते हैं. इतना ट्रिक से याद हुआ. कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या करते हैं, मांस को खाते हैं, फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के फ्लैश को खाते हैं. ठीक है, अब आता है ओमनिवोरस. ओ ओ मतलब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जानते हैं ना सर्वाग्राही रहता है, सारे एक दूसरे का वो ब्लड ले दे सकता है, इस टाइप से रहता है ना. तो ये हो गया ओमनिवोरस, मतलब वो हर्बीवोरस को भी खाएगा और कार्निवोरस को भी खाएगा. इट मीन्स वो प्लांट भी खाएगा और एनिमल को भी खाएगा. ठीक है, तो समझ में आ गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. ओके, अब आता है एनिमल हेल्प प्लांट इन डिफरेंट वेज. दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट की डिफरेंट वे से करते हैं, क्योंकि एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को बड़ी नीड रहती है, क्योंकि वो उससे अपना खाना बनाते हैं. Small insects feed on leaves on trees and plant. These insects are in turn eaten by bird for food. देखो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, देखा होगा आपके घरों में जो पौधे होंगे कभी कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो पत्तियों को खा लेते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता ये कीड़े कहाँ थे भाई. तो वो छोटे छोटे कीड़े जो पत्तियों को खा लिए हैं, तो अब वो कीड़े बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े, आपको तो नहीं दिखेंगे, लेकिन चिड़िया आती है और फिर उनको खा लेती है. प्रेडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर्स. अब ये जो प्रेडेटर्स है मतलब लायन एंड टाइगर्स है, ये तो आपको दिखते हैं, किसको खा रहे हैं, बड़े रहते हैं ना वो. फीड ऑन अदर एनिमल, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एंड रिमेन अलाइव. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल. इसका मतलब सीधा सीधा है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है मतलब बायोटिक कंपोनेंट है, ये सब डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी जीविका चलाने के लिए. ठीक, आगे हम फूड चेन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फूड चेन. और फूड चेन में जो डायग्राम दे रखा है ना, ये भी बड़ा अच्छा है. अब देखिए, अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट फूड एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम वन क्रिएचर्स टू अनदर. फूड चेन बिगिन विद प्लांट लाइफ एंड एंड विद एनिमल लाइफ. सम एनिमल्स ईट प्लांट, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. अ सिंपल फूड चेन, यहाँ से आप याद कीजिए अच्छे से. सिंपल फूड चेन है क्या? सिंपल फूड चेन कुड स्टार्ट विद ग्रास. एक सिंपल फूड चेन यदि मैं आपको समझाऊँ तो वो स्टार्ट होती है ग्रास से. इसमें पिक्चर नहीं दे रखा है, लेकिन ये काफ़ी वैसा पिक्चर है, अच्छा सर्कल में है ये पिक्चर, लेकिन बड़ा स्मॉल सा दिया है यहाँ पर. ये आपके लिए यही काफ़ी है अभी तो. नहीं तो वो रहता है घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, है ना, आपको ईगल, इस टाइप से रहता है वो, काफी लंबा रहता है. तो अभी छोटू से याद कर लीजिए आपकी बुक वाले कि ग्रास है. ग्रास कौन खाया ग्रास को? डियर. और डियर, डियर को कौन खाता है? लायन. हो गया आपका यहीं पे फूड चेन क्लियर हो गया. वो लंबा बताऊंगी ना तो वो लंबे में आप क्लियर नहीं होंगे. तो ये समझ में आ गया, डियर इज देन ईटन बाय अ लायन. हो गया आपका फूड चेन खत्म. अब नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इन नेचर. द बैलेंस इन नेचर रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की स्थिति अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक संतुलन की स्थिति होगी. ह्यूमन प्लांट्स एनिमल एंड देयर एनवायरमेंट. देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके बताती हूँ हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए मुर्गियाँ होगी. ठीक, अगर मुर्गियाँ कुछ लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, अगर आप मुर्गियाँ नहीं खाएंगे तो फिर बहुत सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, फिर आप कैसे बचाएंगे, अपने बैलेंस कैसे करेंगे नेचर को, है ना. तो ये नेचर को बैलेंस करने के लिए कई लोग खाते हैं तो वो भी गुड ही है ना. तो कुछ चीज़ों को इस तरीके से हमारे नेचर ने बैलेंस करके रखा है कि हाँ सारी चीज़ें अपने आप सेटल होती चली जाती हैं.
Humans play an important role in maintaining the ecological balance in nature. Favorable ecological balance is reflected in the sufficient availability of food for all living organisms. The balance in nature ensures that each organism thrives and multiplies and get enough food to remain alive. आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ते हैं, दो से चार, चार से पाँच, पाँच से आठ, इस टाइप से वो बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ना थ्राइब्स, मतलब तीन बार बढ़े, फिर उसका मल्टीप्लाई हो गया, तीन से छः हो गए, इस टाइप से वो बढ़ते हैं और अपना जीवन आगे चलाते हैं। लेकिन उनका जीवन की जो लाइफ रहती है वो इतनी लंबी नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है कि आप अपने नेचर को बैलेंस करने के लिए मुर्गियाँ खाना शुरू कर दें। अरे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम मुर्गियाँ नहीं खाएंगे, जो नॉनवेज खाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो हमारे क्या होगा, बहुत सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी। अभी कुछ समय पहले ही देखे होंगे आप लोग कोरोना टाइम में कि मुर्गियाँ बहुत सारी हो गई थी, कोई खा नहीं रहा था तो जंगलों में छोड़ रहे थे, कोई बीमारी हो गई है बोल के, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अंडे फेंक रहे थे कोई लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर। जो मानव है, हम लोग हैं, हम ही लोगों ने तो बैलेंस बिगाड़ दिया है हमारी प्रकृति का। कैसे बिगाड़ दिया है सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द बैलेंस इन नेचर इज ऑफन डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव रॉब्ड एनिमल ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो इंसानों ने क्या किया है, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ कटे तो जंगल खत्म हुए, जंगल खत्म हुए तो हमारे जानवरों का घर खत्म हो गया। देखे तो होंगे आजकल बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर तो हम ही लोग खराब कर दिए। तो वो हमारे घर आते हैं, हम अपने गेहूं चावल सुखाते हैं, उनको खाते हैं, फिर डंडा लेके हम भगाते हैं, है ना। दिस मेक एनिमल्स इनसिक्योर एंड दे गेट किल्ड एज दे वेंडर इन टू एरियाज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। क्या हो गया ऐसे में, क्या एनिमल की सिक्योरिटी खत्म हो गई है, एनिमल बढ़ने लगे हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा कि जो जंगल के जानवर हैं, कभी बाघ हो गया या फिर जो चीता हो गया, छोटे छोटे स्क्रीन शॉट, वो शॉट्स आते हैं उसमें दिखाते हैं कि वो लोग कॉलोनीज में घुस गए, एटलीस्ट उसको क्या होता है, उनको मार दिया जाता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। With this, the decrease in the number of prey in the forest leads to death of various other animals in the forest due to lack of food. अब जब जंगल खत्म हो रहा है तो वहाँ खाना भी खत्म हो रहा है, हर जानवर तो अपने एरिए में नहीं आ पाता है, नहीं आता है, बहुत कम आते हैं। तो जितने वहाँ पर हैं वो क्या, खाने की कमी की वजह से मर भी रहे हैं। To ensure a favorable ecological balance, human activities like resource exploration need to be checked. एक अनुकूल ecological balance सुनिश्चित करने के लिए हमें ह्यूमन एक्टिविटीज की जांच करनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका लास्ट भी है, रीस्टोरिंग द बैलेंस इन नेचर। अब हम अपने नेचर को कैसे बैलेंस करें, कैसे उसको रीस्टोर करें, उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। देखो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो क्या लाती है पर्यावरण में, एक स्थिरता लाती है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लाती है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन। देखो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा पेड़ों को लगाना, और एक होता है डिफॉरेस्टेशन, उसका मतलब होता है पेड़ों को काटना, ठीक है। प्रिवेंट अनडिजायरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे तो हम मतलब जो क्लाइमेट में चेंज लाना चाहते हैं वो आएगा। प्रिवेंशन ऑफ पोचिंग लीड टू इंक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन। और ये जो हम शिकार करते हैं, हम मतलब जो शिकारी शिकार करते हैं, अगर वो बंद होगा तो एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। दस ह्यूमन बींग कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ फेवरेबल इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हमें अपना इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है तो हमें पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक। अब हो भी रहा है कैसे, सेंचुरीज एंड इकोलॉजिकल पार्क हैव ऑल्सो बीन क्रिएटेड फॉर ब्रिंगिंग बैक हार्मनी इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। हम हमारी सरकार इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए सेंचुरीज बना रहे हैं, इकोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं सुरक्षित रहें, जंगल भी ना कटे और हमारा नेचर भी बैलेंस में रहे, है
है ना बच्चों। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में जो आपका बैलेंसिंग नेचर है वो एक्चुअली में क्या है, और जितने मैंने रिपीट किए डेफिनेशन उसको आप 2-3 बार रिपीट कीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। ओके बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।